हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, आज है 16 सितंबर और दिन बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा वेदर खुला है, खिली खिली धूप है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो अब चल रहे हैं हम नीचे और दिखाते हैं नीचे कैसी कंडीशन है। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहिए आप। गाइस, आज दिन है मंडे का और वेदर देखिए कितना अच्छा, कितना प्लेजेंट वेदर हो रहा है, खिली खिली धूप है और भीड़ भाड़ तो काफ़ी है क्योंकि मेला भी अभी चल रहा है, दो दिन मेला बढ़ गया है। दोस्तों, मल्लीताल रिक्शा स्टैंड चौराहे का हाल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद जो है इतनी अच्छी धूप और इतनी अच्छी गैदरिंग, भीड़ भाड़, चहल पहल दिखाई दे रही है, तो वेदर तो बहुत अच्छा है गाइज। गाइज, अभी कुछ देर पहले 12:30 बजे के आसपास तालाब में, नैनी लेक में, एक लड़की जो है किनारे पर खड़ी थी और वो फिसल के गिर गई और वो डूबने लगी। तभी वहां से गुजर रहे दो बोट वाले नाविक भाई लोगों ने उसे खींच के जैसे तैसे बचाया। गाइज, आराम आराम। गोटी लगा लो, गोटी। रुक जाओ रुक जाओ, ज्यादा तड़पो ना, परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, डरो मत, रुक जाओ, आराम से पकड़ो। उधर वाला, अरे आओ बहन जी, बेहोश हो गई, आओ हिम्मत रखो, खिंचा में आएगा, खिंचा में आए। तो गाइज, हम आ चुके हैं माल रोड, अब थोड़ा सा आपको माल रोड घुमाते हैं। ये देखिए लेक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, आज वेदर बहुत क्लियर है और मेला तो लगा है अभी दो दिन और, बट मेला मैंने आपको दिखा दिया काफी। और ये खूबसूरत सी माल रोड और बादलों का व्यू देखिए, आज क्या बादल लग रहे हैं। गाइज, मैं पहुंच चुका हूं इस समय एडवेंचर पार्क और दिखाते हैं आपको एडवेंचर पार्क में किस तरह का माहौल है। और ये देखिए जियान स्विंग करते हुए, और नीचे लोग देखिए गो कार्टिंग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। शहर के अंदर मेन टाउन में तो काफ़ी क्राउड है, बट ये जो पॉइंट है यहाँ पर उतना क्राउड है नहीं। और गाइज, इसके बाद हम चलेंगे हिमालय दर्शन और आपको दिखाएंगे हिमालय दर्शन में क्या कैसा माहौल है, कैसा टूरिज्म है और किस तरह का वेदर है वहाँ, और नज़ारे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो गाइज, 12 बजने वाले हैं और मैं इस समय पहुँच चुका हूँ हिमालय दर्शन। तो अब हम जा रहे हैं हिमालय दर्शन मेन पॉइंट पर और आपको दिखाते हैं हिमालय दर्शन में कैसा व्यू आ रहा है आज हिमालय का। तो गाइज, हम लोग हिमालय दर्शन पॉइंट पहुँच गए। वैसे तो आजकल हिमालयाज दिखते नहीं है बिकॉज अक्टूबर टू फेब्रुअरी दिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिमालय आते वक्त हमने देखा कि दिखाई दे रहा था और दिखता है, तो आपको भी दिखाते हैं आज हिमालय। और वैसे हिमालय दर्शन के ऊपर एक अलग ब्लॉग बनाया है, अगर आप देखना चाहो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। और देखिए सामने हिमालय थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है बादलों के पीछे, अगर कैमरा इसे जस्टिफाई कर पाए तो। वो देखिए पीछे हिमालयाज दिख रहे हैं हल्का हल्का, मुझे लग रहा है मॉर्निंग टाइम में थोड़ा बहुत क्लियर होंगे हिमालयाज। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है क्लाउड्स का और बड़ा हैपनिंग सा हो रहा है, देखिए माहौल चारों तरफ भीड़ भाड़ है। और वेदर काफी खुला है आज और अच्छी खासी गैदरिंग है, देखिए हिमालय दर्शन में बड़ा खुशनुमा माहौल हो रहा है, पर्यटकों की भीड़ है और यहाँ आप ये हार्ट के साथ पिक ले सकते हैं और कुछ खाना पीना चाहें तो खाने पीने का सामान है, मैगी, कॉफी, पराठा यहाँ मिल जाएगा आपको। और अगर आप चाहें तो यहाँ टेलीस्कोप से भी व्यू देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम लोग हिमालय दर्शन के बाद पहुंच चुके हैं सत्यनारायण टेंपल और ये देखिए, और चलते हैं आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो चलिए सत्यनारायण टेंपल में चलते हैं हम लोग और ये बड़ा खूबसूरत प्यारा सा मंदिर है जंगल के बीच में, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था। और इस मंदिर की जो खासियत है कि यहाँ पर ना कोई प्रसाद है ना पुजारी है, साल में एक बार भंडारा लगता है। तो हम लोग देखिए अंदर आ चुके हैं और दिखाते हैं आपको। नेचुरल
दोस्तों जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं वनस्पति, इसमें से 90% आप मान के चलिए कि कोई ना कोई औषधि है और उसका उपयोग किसी ना किसी उपचार में किया जाता है। अब जैसे सामने देखिए, ये जो आपको हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये है पत्थर चट्टा, जो कि पथरी के इलाज में काम आते हैं। इनकी जड़ों को उबाल के पिया जाता है जिससे पथरी दूर हो जाती है। गाइस अब चलते हैं सूखा ताल, और सुना है सूखा ताल में पानी भर गया है और लेक बन गई है, तो देख के आते हैं कि सूखा ताल कैसा दिखाई देता है। गाइज अब हम पहुंच चुके हैं सूखा ताल, और आज सूखा ताल हम आपको दिखाएंगे जो कि आज भरा हुआ है। आमतौर पे क्या पूरे साल भर ये जो है सूखा ही रहता है, और पूरा बारिश में भी सूखा रहा, भरा नहीं, लेकिन 2-3 दिन जो बारिश हुई उस बारिश में ये सूखा ताल जो है पूरी तरह से भर चुका है लबालब पानी से। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, ये देखिए सूखा ताल पूरा पानी से भरा हुआ है, लेक बन गई है। वैसे आमतौर पर यह सूखा दिखता है मैदान जैसा। तो दोस्तों अभी हमने देखा सूखा ताल का व्यू, आमतौर पर यह जो है सूखा ही रहता है, बारिश में भर जाता है, लेकिन इस बार बारिश में भी नहीं भरा। लेकिन अभी जो 2-3 दिन की बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, जो मैंने आपको दिखाया नंदा देवी का मेला और बारिश जो दिखाई, उस बारिश में ये पूरा लेक भर गया गाइस। तो बहुत अच्छा लगा आज से भरा हुआ देख के, क्योंकि आमतौर पर सूखा ही दिखाई देता है। तो गाइस हम टाउन में वापस आ चुके हैं, और अभी इस समय हम पंत पार्क में, और अब जा रहे हैं झील के किनारे और देखते हैं झील की कैसी कंडीशन है। और भीड़ भाड़ तो काफ़ी बढ़ चुकी है, देखिए क्राउड मेरे पीछे, क्योंकि मेला अभी भी चल रहा है। तो चल किनारे चलते हैं, मिल गया हमें आरिश, हमारा छोटा भाई, आ जाओ। तो अब हम जा रहे हैं झील के किनारे और देखते हैं कैसी बोटिंग है झील में, कैसी चहल पहल है। टाउन में तो भीड़ है क्योंकि मेला अभी भी चल रहा है गाइस। तो हम आपको ऊपर से दिखाएंगे जहां पर ये पेड़ है पीपल जैसा, तो यहां से आपको दिखाएंगे किस तरह का झील की कंडीशन है। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए वेदर तो ऑसम हो रहा है आज, खिली खिली धूप निकली हुई है और काफी भीड़ है देखिए बोट स्टैंड पे, और बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, और ये देखिए पाल नौका भी चल रही है आज। तो गाइज अब नैनीताल का मौसम जो है सितंबर 15 निकल चुकी है, और अब अगर आप नैनीताल में आएंगे तो आपको वेदर अच्छा ही मिलेगा मोस्टली, क्योंकि अब बारिश जा चुकी है। जो लास्ट झटका था जो 2-3 दिन का बारिश का, वो लग चुका है। अब जो है वेदर अच्छा होगा, फेस्टिव सीजन आएगा धीरे धीरे, दशहरा दीपावली, तो अब आप नैनीताल आने का प्लान बना सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो दोस्तों मैं इस समय रोड के बीच में खड़ा हूँ, और ये मल्लीताल रिक्शा स्टैंड चौराहा है, और इतनी भीड़ हो रही है आप देखिए मेरे पीछे, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, जाम लगा है चारों तरफ। ये देखिए गाड़ियां बहुत स्लो चल रही हैं, क्योंकि मेला अभी कंटिन्यू चल रहा है, और वीकेंड भी था, लॉन्ग वीकेंड है। उसके अलावा आज जो है ईद मिलादुन नबी एक फेस्टिवल भी होता है, वो भी है हमारा। तो गाइज ये देखिए छुट्टी की वजह से काफ़ी क्राउड हो गया है। तो गाइज शाम हो चुकी है, 5:30 बज चुके हैं, और आज दिन भर दिखाया आपको नैनीताल में कैसा वेदर रहा, किस तरह की एक्टिविटीज़ रही। तो गाइज आज के ब्लॉग का यहीं अंत करते हैं, और मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रखिए, और दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।